Bueno, ¿y cuál prefieres? ¿Cómo ni por ahí, no? Joder. हमारे पास टेंडा 1080 HD मॉडल CP3 अवेलेबल है 3 ईयर वारंटी के साथ. अनबॉक्सिंग करते हैं क्या क्या इसमें आता है. इसमें एक कैमरा है, एक एडप्टर है, इसमें एक स्टैंड है जो कि दीवार पे वॉल पे लगा सकते हैं, और ये स्क्रू आते हैं, स्टिकर मैनुअल आता है. ठीक है, अभी ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो मैंने इसको पहले ओपन कर दिया. ये एडप्टर को भी मैंने केबल खोल दिया. ये यहाँ पर मैंने इसको पावर दे दिया है. अगर मेरे पास मेमोरी कार्ड है तो मैं ये मेमोरी कार्ड भी इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ. यहाँ पर मेमोरी कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं हम. अगर कैमरा रीसेट करना है तो ये बटन है, उसको दबा के रखते हैं 10 सेकंड तक, तो कैमरा ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर मेमोरी कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं. ये कैमरा चालू हो रहा है. इन बिटवीन मैंने ये मोबाइल ले लिया हाथ में, इसमें मैंने स्टोर ओपन किया, प्ले स्टोर ओपन किया. इसमें TDSEE नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, ओपन कर दिया. इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करके मैं अकाउंट बना सकता हूँ. इंडिया सेलेक्ट कर दिया. इसमें मोबाइल नंबर या मेल आईडी से भी आप अकाउंट बना सकते हो. ये फ़ोन रजिस्ट्रेशन कर दिया मैंने, और इसमें ठीक है ये इग्निशन हो रहा है, साइड में देख सकते हैं. ठीक है, ये मोबाइल रजिस्ट्रेशन करके भी हम कर सकते हैं. मेरे पास अभी यूज़र नेम पासवर्ड है, तो मैं सीधा यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कर देता हूँ. मैंने यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है. ये मैंने लॉगिन कर दिया है, यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली हो गया. अभी मैंने पहले एक डिवाइस ऐड किया था, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ. यहाँ से क्लिक करके डिवाइस सेटिंग में जाके मैंने डिलीट डिवाइस कर दिया, तो ये डिवाइस मेरा रिमूव हो गया है. ठीक है, अभी मेरे को नया डिवाइस एक ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो ऐड डिवाइस कर दिया मैंने. इससे पहले जहाँ पर लोकल जो वाईफाई होता है वो वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, डेटा कनेक्ट होना चाहिए, और लोकेशन तीनों चालू होना चाहिए. ठीक है, फिर मैंने अभी ऐड डिवाइस किया. जैसे ऐड डिवाइस किया, ओके, बीच बीच में परमिशन पूछेगा, तो परमिशन अब देना है. ठीक है, ओके, ये यहाँ पर कैमरे के पीछे एक QR कोड है, वो स्कैन कर दिया मैंने. ऐड डिवाइस ऐड किया, जैसे ऐड किया फिर से एलो आ गया. ऐड किया मैंने, नेक्स्ट किया. जैसे ही नेक्स्ट किया, अभी मैंने जो वाईफाई कनेक्ट किया है उसका पासवर्ड पूछ रहा है. ये वाईफाई कनेक्ट जो करता है उसमें ये ध्यान रखने का है कि ये वाईफाई 6 नहीं होना चाहिए, वाईफाई 5 चाहिए, नॉर्मल वाईफाई चलेगा, वाईफाई 6 नहीं चलेगा. तो मैं उसमें पासवर्ड भी डाल रहा हूँ. ठीक है, ये मैंने मेरा वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया और नेक्स्ट किया. जैसे नेक्स्ट किया, ये QR कोड खुल गया. मैंने ये QR कोड अभी कैमरे को सामने रख के दिखा दिया ऐसे. जैसे ही स्कैन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बोलेगा इसमें से. कनेक्टिंग, प्लीज वेट, ऐसा बोला.
जैसे ही ऐसा बोला तो आई हैव हर्ड द प्रॉम्प्ट, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। जब तक आई वो नोटिफिकेशन नहीं बोलता है तब तक ये आई हर्ड पे क्लिक नहीं करना है। ये बोल दिया वायरलेस कनेक्शन सक्सीडेड, मतलब ये कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट किया मैंने, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्लाउड स्टोरेज चालू करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो नॉट नाउ कर दिया मैंने, तो ये चालू हो गया है, ये हम देख सकते हैं। ये पूछ रहा है कि फॉर्मवेयर अपडेट करना है तो हम कर सकते हैं इसको, अभी फ़िलहाल नहीं करना है तो ये देख सकते हैं। देखो ये टोटली मूव हो रहा है, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 360 डिग्री घूमेगा। इसमें ऑडियो भी इनबिल्ट है, जो भी बोलेंगे सुनाई देगा। माइक भी इनबिल्ट है, बाइक जैसे बोलेंगे तुरंत ही हम जो भी बोलेंगे सुनाई देगा उसमें। हेलो 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 राइट। ये मैंने फिर से म्यूट कर दिया। ये टेंडा कंपनी का बहुत बढ़िया कैमरा होता है, ये 3 साल की वारंटी के साथ आता है, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है। इसका क्लैरिटी भी हम देख सकते हैं। चलो इसका क्लैरिटी भी जोरदार है। ये मैंने कैमरे को रोड पे ले लिया है और अभी मेरे को इसका रिजल्ट देखना है, तो मैं देख रहा हूँ इसको। मैंने मोबाइल को मैंने फुल स्क्रीन में कर दिया है, लाइट तो फुल ही है। देखो ये मुझको कैमरे का रिजल्ट दिख रहा है, कैमरे का रिजल्ट मुझको दिखा दे रहा है। इसमें सामने रोड पे आप देख रहे हो कि सामने रोड पे जो गाड़ियाँ सब पड़ी है ना, तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा। देखो ये गाड़ी जूम करके देख सकते हो, और आप सामने शक्ति फर्नीचर जैसा बोर्ड आप देख सकते हो, जो कि मतलब रोड के और डिवाइडर के बिल्कुल आगे है, फिर भी वो हम देख पा रहे हैं। देखा इतना बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है, ये बहुत बढ़िया कैमरा चलता है। थैंक यू।